अमेठी से बड़ी खबर, घर की खुशियों में घुला मातम का जहर। सड़क हादसे में 45 साल के सालिम की मौत। बेटी के ससुराल दहेज लेकर जा रहे थे सालिम। 12 नवंबर को होनी है बेटी की शादी। शादी से पहले ससुराल लेकर जा रहे थे दहेज। रास्ते में ट्रैक्टर ने सालिम की गाड़ी को मारी टक्कर। हादसे में सालिम, उनका बेटा और ड्राइवर हुए घायल। राहगीरों ने सभी घायलों को पहुंचाया फुर्सतगंज अस्पताल। इलाज के दौरान हुई सालिम की मौत। जायज थाना क्षेत्र के मोहल्ला जेर माजिद के रहने वाले थे सालिम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अमेठी जिले के जायज थाना इलाके से आ रही है, जहां मौजूद जेर माजिद मोहल्ले में रहने वाले सालिम सड़क हादसे का शिकार हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दरअसल आगामी 12 नवंबर को सालिम की बेटी की शादी होनी है। सालिम अपनी बेटी की ससुराल दहेज लेकर जा रहे थे, तभी रास्ते में बेकाबू ट्रैक्टर ने उनकी गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में सालिम, उनका बेटा और ड्राइवर तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में सालिम को इलाज के लिए फुर्सतगंज CSC में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सालिम की मौत ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। जहां शादी की खुशियां थी, वहीं अब मातम का सन्नाटा पसरा हुआ है। आपके बेटी की शादी भी थी ना पोतो? बेटी, उसकी बेटी की शादी थी जो 12 तारीख उसी का दहेज का सामान लेके जा रहे थे और रास्ते में वो विक्रम कर दिया कि कौन सा हमें मालूम था कि अगर शिकार है हमारा भाई शामिल हो गया है, मेरे भाई को शाम मिलना चाहिए। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।